हाय गाइस, दिस इज शुभम। आज हम बात करने वाले हैं स्टैडो द इंडिया के बारे में। स्टैडो द इंडिया एक पुर्तगीज लैंग्वेज है। पुर्तगीज लैंग्वेज में स्टेट ऑफ इंडिया को स्टैडो द इंडिया बोलते हैं। स्टैडो द इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया को गोवा के नाम से भी जानते हैं। स्टैडो द इंडिया पुर्तगीज, जब पुर्तगालीज यहाँ पे शासन करने आए थे गोवा में, तब इसको स्टैडो द इंडिया के नाम से जानते थे। यहाँ पर इंडिया ने भी एक देश पे अटैक किया 1961 में। अक्सर हमने ये सुना है कि बाहर के देशों ने इंडिया पे अटैक किया है, लेकिन मतलब भारत ने भी दूसरे देश पे भी अटैक किया है, जिसमें हम बात कर रहे हैं गोवा की। यानी 17 दिसंबर 1961 को हमने अटैक किया गोवा पे, स्टेट ऑफ इंडिया पे, और 19 दिसंबर 1961 को हमने उसको कैप्चर कर लिया। 36 आर में इंडिया ने स्टेट ऑफ द इंडिया को कैप्चर कर लिया था, यानी स्टेट ऑफ इंडिया या फिर गोवा को कैप्चर कर लिया था। अगर मैं इस वीडियो में स्टेट ऑफ द इंडिया की बार बार बात करूं, तो आप उसे गोवा समझ सकते हो। पुर्तगीज रूल के टाइम पे स्टेट ऑफ द इंडिया यानी हमारा गोवा काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकली फ्लॉरिश करने लग रहा था, जब पुर्तगालीज का गोवा पे, स्टेट ऑफ द इंडिया पे शासन था। मैं बात कर रहा हूँ 19 दिसंबर 1961 से पहले की, जब पुर्तगीज का शासनकाल स्टेट ऑफ द इंडिया पे था। स्टेट ऑफ द इंडिया यानी गोवा में आज भी इतने सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, जिनका फाउंडेशन, जिनको इस्टेब्लिश पुर्तगीज ने किया था, जिनमें कुछ चर्चेस भी शामिल हैं। अगर चर्चेस की बात करें तो मैं आगे वीडियो में बहुत सारा डीप मैं जाना चाहूँगा, और वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, तो आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखो। पुर्तगालीज ने गोवा कैथेड्रल, बॉम जीजस बेसिलिका, चर्च ऑफ लेडी ऑफ रोजरे और फाउंटेनास, जिनको आज भी हम कलरफुल कॉलोनी यानी लैटिन क्वार्टर्स के नाम से जानते हैं। पुर्तगीज कल्चर का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस स्टेट ऑफ द इंडिया पे हो गया था, जिसका असर आपको आज भी गोवा लैटिन क्वार्टर्स की गलियों में पैर रखते ही पता चल जाएगा। और शायद आप कुछ मोमेंट के लिए ये भूल भी जाओ कि आप इंडिया में ट्रैवल करने लग रहे हो। थोड़ी देर के लिए आप खुद को पुर्तगाल में अज्यूम कर सकते हो, पुर्तगीज के साथ में अज्यूम कर सकते हो। लैटिन क्वार्टर्स की सकरी गलियां और उन सकरी गलियों के दोनों तरफ रेड टाइल की रूह हमें यूरोप कंट्री की याद दिलाती है, और बालकनीज वाले कलरफुल विलास हमें यूरोप कंट्री की याद दिलाते हैं। अपनी कलरफुल दीवारों और स्ट्रीट आर्ट की वजह से फाउंटेनास डिजिटल क्रिएटर्स यानी यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर, इन्फ्लुएंसर के बीच में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और पुर्तगीज शासन काल से लेकर अब तक फाउंटेनास में हर मौसम के बाद में डार्क कलर से सारी वॉल पेंट होती है, यानी हर इंसान, हर एक पर्सन अपनी दीवारों को मौसम के एंड होने के बाद कलर करने लग जाता है। आप कभी भी गोवा विजिट करो और फाउंटेनास में आपको वैसे ही रंग बिरंगी दीवारें, रंग बिरंगी स्ट्रीट और रेड टाइल के रूफ वाले विलास आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको फिर से, मैं एक बार बोलूँगा, यूरोप की याद दिलाता है। स्टैडो द इंडिया, पुर्तगीज इंडिया में एक कहावत थी, क्विम विम गोवा स्कोसा देवेर लेस्बोआ। इसका इंग्लिश में मतलब ये है, ही हू सीन गोवा नीड नॉट टू सी लिस्बन। यहाँ पे लिस्बन एक पुर्तगाल यूरोप की राजधानी है, लेकिन इन पुर्तगीज कलरफुल विलास की हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा डार्क है। अब हम बात करने वाले हैं 19 दिसंबर 1961 से पहले की। स्टेट ऑफ द इंडिया या फिर गोवा वेस्टर्न इंडिया का इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट रहा है। पुराने टाइम में मौर्य और फिर गोजास ऑफ गोवा का भी रूल रहा है, यानी कि मैं बात करूं कि पुर्तगाली से पहले के भी गोजास और मौर्यों का भी गोवा पे रूल रहा है। वहीं मिडेवल एरा में पहले कडम्बस किंगडम, फिर विजयनगर एम्पायर से बमानी सल्तनत का रूल रहा है। बमानी संतलत बिकॉज ऑफ सम अननोन रीजंस कोलैप्स हो जाती है, जिसका अभी कहीं भी जिक्र नहीं है, और हम थोड़े से अपने और एफर्ट्स डाल के, कुछ रिसर्च करके,
ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये हुआ, और इसका हम एक अलग से वीडियो अपलोड करेंगे। बमाली सल्तनत के कोलैप्स होने के बाद बीजापुर के सुल्तान यूसुफ शाह ने पूरे गोवा को कैप्चर कर लिया, और 1510 में पुर्तगीज जनरल अल्फांसो दे अल्बा करकी आदिल शाह को हरा कर फिर से गोवा को अपने कैप्चर कर लिया। यानी स्टेट ऑफ द इंडिया वहीं से स्टार्ट होता है। आदिल शाह को हराने के बाद जब जनरल अल्फांसो दे अल्बा करकी ने उसको कैप्चर किया, उसके बाद में पुर्तगीज शासनकाल चालू हुआ, और फिर ऑफिशियली पुर्तगीज ने 450 ईयर अपना रूल किया। पुर्तगीज का गोवा पे शासन करने का सिर्फ दो मेन रीजन था। पहले गोवा ने पुर्तगीज को अपना उनका नोवल पावर को एक्सपेंड करने का एक बहुत ही बढ़िया बेस दिया था, जिससे वो ट्रेडिंग इफिशियंटली कर पाते और इंडिया के स्पाइसेस के ट्रेड के ऊपर अपना डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर पाते। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न यह है कि पुर्तगीज को क्रिश्चियनिटी को एक्सपेंशन देने के लिए एक स्पेस चाहिए था, जिसकी शुरुआत उन्होंने गोवा से की। और इसके साथ जहाँ पे पुर्तगीज ने गोवा को एक इकोनॉमिकल बेटर बनाया और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियन मिशनरीज ने गोवा के लोकल रेसिडेंट्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए ब्रूशली और फोर्सफुली तरीके से उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए दबाव बनाने लगे। 30 जून 1541 को पुर्तगीज गवर्नमेंट ने एक रूल जारी किया। ये रूल आने के बाद में स्टेट ऑफ द इंडिया यानी गोवा के अंदर में जितने भी टेम्पल्स थे उनको सबको डिस्ट्रॉय करके वहाँ पे कैथोलिक चर्च बना दिया गया। यानी वो सारी लैंड जो टेम्पल्स की लैंड थी उन सबको कैथोलिक चर्च के नाम पे दे दी गई। 1 मार्च 1546 को वहाँ के राजा जॉन ने फिर से एक ऑर्डर जारी किया टू फॉरबिड हिंदूज डिस्ट्रॉय हिंदू टेम्पल्स, हिंदू फेस्टिवल के पब्लिक सेलिब्रेशन को रोकना और वहाँ के पुजारियों को स्टेट ऑफ द इंडिया से बाहर निकालना, वहाँ के आम लोगों को पनिशमेंट देना जिन्होंने अपने घरों में हिंदू गॉड की आर्ट्स अपने घर में लगाए हुए थे। और ये तो बस शुरुआत थी सभी ब्रिचुअल कन्वर्जन की। इससे ज़्यादा हिट किया 1561 में जब गोवा में इंक्विजिशन बना। इस इंक्विजिशन का मेन मकसद गोवा के लोगों को कैथोलिक बनाना और इंश्योर करना कि वो पूरी तरह क्रिश्चियनिटी में शामिल हो गए, वो लोग अपनी पुरानी रिलीजियस चीज़ें नहीं कर रहे हों। इसके लिए एक टीम बनाई गई, वो टीम ने हर एक घर पे जाके वेरीफाई किया कि वो लोग कहीं हिंदू धर्म के देवताओं की पूजा तो नहीं करने लग रहे हैं। आप समझ सकते हो कि इंडिया किस दौर से गुजरा है। नॉन क्रिश्चियन यानी कोई भी हिंदू आदमी या फिर किसी भी अलग धर्म का हो, वो पब्लिक ऑफिसर की पोजीशन को नहीं होल्ड कर सकता था। सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन ही एलिजिबल थे किसी भी गवर्नमेंट बॉडी में अपनी पोजीशन होल्ड करने के लिए या अपनी सर्विस देने के लिए। यहाँ तक कि हिंदू किसी भी क्रिश्चियनिटी सिंबल्स का प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। जैसे कि अभी की डेट में कोई क्रॉस बनाने लग रहा है, कोई जीजस का आर्किटेक्चर बनाने लग रहा है, जीजस का पेंटिंग बनाने लग रहा है कुछ, या फिर क्रिसमस ट्री बनाने लग रहा है। स्टेट ऑफ द इंडिया में यानी 1500 जब पुर्तगालीज शासन कर रहे थे गोवा पे, उस टाइम पे कोई भी हिंदू आदमी किसी भी क्रिश्चियनिटी के सिंबल का प्रोडक्शन नहीं कर सकता। हिंदू फैमिलीज में जिन भी बच्चों के फादर की डेथ हो जाती थी, उन बच्चों को क्रिश्चियन मिशनरीज को सौंप दिया जाता रिलीजन कन्वर्जन के लिए। हिंदू वुमेन जो भी क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गई थी, वो अपनी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकती थी। अब हिंदू पुजारी गोवा में एंटर नहीं कर सकते थे हिंदू लोगों की शादियां मैरिज करवाने के लिए। हिंदू टेम्पल्स को तोड़ दिया गया, और तोड़ने के बाद में ना ही उन टेम्पल्स को रिबिल्ड कर सकते थे। हिंदूज स्टेट ऑफ द इंडिया में कोई भी असेंबलीज को नहीं अटेंड कर सकते थे, और अगले 251 ईयर तक पुर्तगीज ने ये रूल जारी रखे। और फाइनली 1812 में ये इंक्विजिशन बंद हो गया, और पुर्तगीज का जो मेन मोटिव था क्रिश्चियनिटी बुलाना वो पूरा हो गया। पर अब गोवा में पूरे क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग रहने लग रहे थे, पुर्तगीज के रूल्स को फॉलो करने के लिए लोग एग्री हो गए थे। अब इसके बाद पुर्तगीज ने 149 ईयर तक फिर से बिना किसी दबाव के, बिना किसी विरोध के
गोवा पे, स्टेट ऑफ द इंडिया पे राज किया। अब वो कहते हैं ना कि आप कब तक बुरे काम करोगे, उस कुछ टाइम के बाद में आपको पापों का घड़ा घड़ा जो है वो भर जाता है। और सेम वही हुआ, पुर्तगीज के इंडिया को छोड़ के जाने का टाइम आ गया था। अब हम बात करने जा रहे हैं उन इवेंट्स के बारे में जिन्हें पुर्तगीज एनेक्सेशन ऑफ गोवा और हम लोग इंडियंस लिबरेशन ऑफ गोवा के नाम से जानते हैं। 15 अगस्त 1947 को जब इंडिया आज़ाद हुआ, यानी हमारा भारत देश आज़ाद हुआ, उस टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट ने ये प्रेज्यूम किया हुआ था कि ब्रिटेन के इंडिया से निकलते ही पुर्तगीज भी इंडिया से चले जाएंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट हुआ, जहाँ पुर्तगीज स्टेट ऑफ द इंडिया पे 450 ईयर्स राज करने लग रहे थे, वो इतनी जल्दी कैसे उस जगह को छोड़ सकते थे। वहीं जब इंडियन गवर्नमेंट ने पुर्तगीज से इस मैटर में बात करी, रिक्लेम करने की कोशिश की, वहीं पुर्तगीज ने सेम चीज़ को अनएथिकल बता दिया। पुर्तगीज ने उन्होंने ये बोल के अनएथिकल कर दिया कि जब पुर्तगीज ने गोवा पे अटैक किया तब इंडिया नाम की कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करती थी। इस बात पे पुर्तगीज के पीएम एंटोनियो दे अल्वेरिया सलाजर, यहाँ पे मैं लिख के दे दे रहा हूँ, आप पढ़ लो, काफी ज्यादा डिफिकल्ट नाम है, भी निगोशिएशन करने को तैयार नहीं थे। इस फेल्ड अटेम्प्ट के बाद इंडिया ने अपने डिप्लोमेटिक प्रयास करने चालू किए। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ जवाहरलाल नेहरू ने वर्ल्ड अरेना में काफी ज्यादा पीसफुली ट्राई किया जिससे गोवा इंडिया का पार्ट बन जाए। उन्होंने उस टाइम के यूएसए प्रधानमंत्री से भी बात करी जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकला। उसके बाद सारे कंट्री, सारे पावर, सारे मिलिट्री पुर्तगाल की सपोर्ट करने लग रही थी। ठीक उसी टाइम पे यूएसए ने इंडिया को शांति से पीसफुली रहने के लिए बोला। ऐसे ही जॉन एफ कैनेडी यूएस के प्रेसिडेंट बने, जवाहरलाल नेहरू ने तुरंत एक्शन लिया और इंडियन फोर्सेस को गोवा पे अटैक करने के लिए अप्रूवल दिया, क्योंकि इस पर जवाहरलाल नेहरू कैनेडी को मैनिपुलेट कर सकते थे और ज्यादा अच्छे से उनको कन्विंस कर सकते। इस पे शुरुआत हुई ऑपरेशन विजय की। 1960 में यूएसए ने एक रेजुलेशन निकाला जिसमें गोवा को नॉन गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, जिससे पुर्तगाली असहमत हो गए। फिर इसके सिवा इंडिया के पास वॉर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। फिर फाइनली 17 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय की शुरुआत हुई और 19 दिसंबर 1961 को इंडिया ने उसको कैप्चर कर लिया और 36 आर में ही ये वॉर कंप्लीट हो गई थी, मतलब कैप्चर कर लिया था, इंडिया का राज हो गया था गोवा पे। 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगीज के गवर्नर मैनुएल सिल्वा ने सरेंडर कर दिया। तब से लेकर आज तक गोवा 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे सेलिब्रेट करता है, यानी कि गोवा में दो इंडिपेंडेंस डे होते हैं, एक 15 अगस्त और एक 19 दिसंबर। और हाँ, एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, अभी तक हम लोगों ने देखा स्टेट ऑफ इंडिया का एक टाइम जो जहाँ पे इतना ज़्यादा कन्वर्जन हुआ। अगर हम बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कन्वर्जन ही हुआ है, क्रिश्चियन का हिंदू में हुआ हो, या हिंदुओं का मुस्लिम में हुआ हो, या हिंदुओं का क्रिश्चियन का हिंदुओं में हुआ हो। क्यों आखिर हम लोग इतना सब कुछ करने लग रहे हैं? इवन आज की सरकारें भी इसी उद्देश्य को लेके काम करने लग रही हैं। यहाँ पे मुझे आपको जागरूक होने की ज़रूरत है, हमें देखना है कि कौन क्या करने लग रहा है, कौन क्या करने लग रहा है, और सोशल मीडिया के जो कुछ एलिमेंट्स हैं उनको इग्नोर करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और आजकल की सरकारें भी रिलीजन को लेके वोट मांगने लग रही हैं और हम भी रिलीजन के होके एक रिलीजन और जात को सपोर्ट करके वोट दे रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। एक सरकार को वोट उसके काम और उसके उसके डिजर्विंग कैंडिडेट के हिसाब से उसको वोट मिलना चाहिए, जो कि मेरा मानना है, मेरा ओपिनियन है। कमेंट में कोई भी आप हेट स्पीच या फिर हेट कमेंट ना दो, जो मैंने ये बोला है ये मेरा ओपिनियन है, क्योंकि आज की डेट में हम लोग ये सब करने लग रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आप इससे पहले इस बारे में जानते थे, और गोवा में अगर आप ट्रैवल करने गए हैं तो आपको कौन सी जगह अच्छी लगती है और कौन सी जगह आपको पुर्तगालीज की याद दिलाती है। धन्यवाद।